नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो साथियों, आज की जो हमारी वीडियो है वो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जितने भी मेरे आईटीआई के साथी भाई बंधु जो मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि अभी हाल ही में जो है विभिन्न स्टेट्स के जो है यहाँ पर जो एग्ज़ाम होने थे वो सभी जो है बिना एग्ज़ाम के यहाँ पर पास करने की जो है यहाँ पर जो है मांग की गई थी। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ हाल ही में अभी जो है कल हरियाणा राज्य ने भी यहाँ पर अपने जितने भी है राज्य के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी शिक्षा से जुड़े जितने भी संस्थान हैं, फाइनल सेमेस्टर या इंटरमीडिएट सेमेस्टर की सभी कक्षाएं संचालित न करने का निर्णय लिया है और उनको जो है अगले सेमेस्टर में प्रमोट करने की यहाँ पर जो है बात की गई है। तो साथियों, इसी तरह से मैं चाहूँगा कि यहाँ पर और भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पर भी जो है लिखा गया कि पहली बार प्रदेश में कॉलेज जो स्टूडेंट है बिना परीक्षाओं के जो है यहाँ पर प्रमोट किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है अलग अलग स्टेटों के भी, काफ़ी स्टेटों में जो है ये चीज़ लागू हो चुकी है कि बिना परीक्षा के जो है प्रमोट कर दिए जाएंगे। तो बात करते हैं कि आईटीआई के स्टूडेंट्स ने ऐसा क्या गुना कर दिया कि आपको जो है प्रमोट नहीं किया जा रहा है। तो साथियों, इसी के लिए जो है आज आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आज आप सभी के लिए एक मुहिम मैं चला रहा हूँ यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से, जो है आपकी जो आवाज़ मैं डीजीटी तक पहुंचाना चाहता हूं। और इसमें मुझे आप सभी का जो है साथ चाहिए साथियों। तो आपसे मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि आप जो है मेरा साथ देंगे ताकि जो है आपकी जो है आवाज़ जो है डीजीटी तक जो है पहुंचे और आपके हक में भी इस तरह का जो है जल्द ही जो है नोटिस आए। तो ये देख सकते हैं साथियों, जो है यहाँ पर जो सेंट्रल है सरकार है वहाँ पर से भी जो है आपको एक दो लेटर और मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर जो MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय है यहाँ पर भी इन्होंने देश के सभी राज्यों के यूनिवर्सिटी कॉलेज के फाइनल सेमेस्टर को छोड़कर बाकी छात्रों को प्रमोट करने की बात की गई है। और यहाँ पर लिखा गया कि जो केंद्रीय मंत्री ने इंटरव्यू में बताया कि ये फैसला फाइनल सेमेस्टर को छोड़कर जो सभी छात्रों को जो प्रमोट करने का लिया गया है। फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी लेकिन कब और कैसे होंगी तो उसके लिए भी जो है कमेटी यहाँ पर गठित की गई है। तो साथियों, मैं भी चाहता हूँ कि आपके जितने भी आईटी जो साथी हैं तो उनके लिए भी है जो ये इस तरह का जो है लागू किया जाए। तो आप सभी को जो है ट्विटर आजकल आपको पता ही है काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी जो है ट्विटर के जो है माध्यम से आप अपनी जो है आवाज़ जो है डीजीटी तक जो है ज़रूर पहुंचाइए। तो आप सभी को करना क्या है साथियों, आप सभी ने जो है अपना एक ट्विटर जो है अकाउंट बनाना है, अगर नहीं बनाया हुआ है तो आपको वो ज़रूर बनाना है साथियों। तो और भी मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा एक दो प्रूफ आपके सामने कि जो है कोशिशें जो है आप सभी के लिए जारी है। तो यहाँ पर मैं ये लेटर भी दिखाना चाहूँगा, यूपी प्रदेश के जो प्राइवेट एसोसिएशन है उन्होंने दोबारा एक बार फिर से जो है आपके हक में जो है यहाँ पर डीजीटी को अभी जो है लेटर जारी किया था, मेल किया था। ये देख सकते हो 21 जून 2020 का है। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा जुलाई 2020 को ऑफलाइन माध्यम से पूर्ण कराए जाने के संबंध में भी यहाँ पर बात की गई है। तो ये केंद्रीय जो मंत्री कौशल विभाग जो डीजीटी डिपार्टमेंट है जिनके पास, माननीय महेंद्रनाथ पांडे जी, तो उनको मेल की गई है कि जो पेपर आपके ऑनलाइन चल रहे हैं तो वो ऑफलाइन ही करवाए जाएं। और दूसरी जो अब मैंने बात बताई दिया कि आपको प्रमोट करने के भी जो बाकी कॉलेज वगैरह हैं इन सभी में प्रमोट कर रहे हैं तो आपको क्यों नहीं किया जा रहा है। तो साथ ही उसके बारे में आप सभी को करना क्या है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने खुद अपने जो है अकाउंट से आप सभी की जो है हितों को देखते हुए मैंने खुद जो है आज ही जो है डीजीटी को यहाँ पर जो है मेल जो है ट्वीट किया है। तो ये देख सकते हो कि एक चैनल के जो है मेल आईडी है, तो आप हमें जो है ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं @NareshKumar021। तो इसमें देखिए, यहाँ पर मैंने खुद इनको जो है ट्वीट किया है कि देश भर के जो विभिन्न कॉलेज जो संस्थान के स्टूडेंट को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जा रहा है, तो सभी छात्र आपसे जो निवेदन करें कि आईटी के छात्र को भी इस तरह से पास कर दिया जाए कोविड-19 के मौजूद जो हालात को देखते हुए। तो ये देखिए, मैंने स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल जो है डीजीटी को भी मेल किया है, स्किल इंडिया को भी मेल किया है, और जो मंत्री हैं हमारे
महेंद्रनाथ पांडे जी हैं केंद्रीय मंत्री, उनको भी यहाँ पर जो ट्वीट किया है। तो साथियों आप सभी को जो है इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है चलाना है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट जो है इस पर जो है ट्विटर पर जो है DGT को ट्वीट कर सकें। इस तरह का मैसेज आप लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं, या कुछ अपनी तरफ से लिख सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके भी जो है बिना परीक्षा के जो है पास कर दिया जाए। और ये ट्विटर जो आईडी यहाँ पर देख रहे हैं, इन तीनों पर ही आपने यहाँ पर इनको ट्वीट करना है, MSDSkillIndia पर और @DRMNPandeMP और @DGT/MSDE। तो ये तीनों जो है हमारे डिपार्टमेंट के ही ट्विटर अकाउंट हैं, तो इन पर जो है ट्वीट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा आप करोगे उतना ही आप सभी के लिए बेहतर रहेगा। तो आपसे बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ साथियों कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, ताकि सभी छात्रों तक जो ये मुहिम चला रहा हूँ मैं आप सभी के लिए, कि आपके जो है इस तरह से कोई आपके लिए भी जो लेटर जारी हो बिना परीक्षा के पास के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे सफ़र करें, खासकर बैक पेपर वाले साथी, क्योंकि काफ़ी सारा उनको टाइम हो चुका है, अभी तक पेपर नहीं हुए हैं, वैकेंसी निकल रही है उनके हाथ से। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने सभी साथियों को ज़रूर बोलिएगा कि ट्वीट करें। और साथियों मैं तो कहूँगा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर एक हम टाइम फिक्स कर लेते हैं और उसी टाइम पर जो है एक साथ अगर आप ट्वीट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो काफ़ी जो है इसका इफेक्ट पड़ेगा, इससे जो है DGT के नोटिस में आएगा कि आप क्या चाहते हैं, आपकी जो मांग है वो DGT तक जो है पहुँच जाएगी साथियों। तो साथियों आपसे निवेदन करूँगा कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए कि इस तरह का जो है आप ट्वीट कीजिएगा। तो साथियों जल्द ही आशा करता हूँ कि आपके हक में भी इस तरह का जो है लेटर ज़रूर आएगा। और साथियों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतनी ही ज़्यादा ये जो मेरा मुहिम चला रहा हूँ आप सभी के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वो जो है खबर सभी के पास पहुँचे और सभी जो है इस जो है आईडीज़ के ऊपर जो है ट्वीट करें, ताकि जल्द ही आप सभी के लिए भी एक जो है खुशखबरी आ जाए और आपके हक में भी जो है ये जो इस तरह का फैसला आए साथियों। तो साथियों बताना चाहूँगा कि जितनी जल्दी आप ये करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी जो है DGT ने अप्रेंटिसशिप जो स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए जो एग्ज़ाम का रीशेड्यूल जारी कर दिया है, और ITI का भी हो सकता है कि कभी जारी ना कर दे, तो उससे पहले ही आपको जो है ये ट्वीट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में अभी से ही आप लग जाइएगा साथियों। तो साथियों इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे जो है चैनल के साथ जुड़ी रहेगा और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। और इस जो है ये जो ट्वीट जो है यहाँ पर मेल आईडी है इनकी आपको जो है कमेंट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको दे देता हूँ, तो वहाँ से आप कॉपी करके जो है अपना ट्वीट अकाउंट अगर नहीं बनाया तो उसको बनाकर जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, तभी जो आपकी जो है मांग जो है आपकी आवाज़ जो है पहुँचे। ये देख सकते हो आप डेट, आज की ही डेट में मैंने अभी कुछ ही देर पहले जो है यहाँ पर ट्वीट किया है। तो आप सभी भारी मात्रा में वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके इसको ट्वीट करवाइए अपने दोस्तों से, ताकि जो है जल्दी जल्द आपके लिए कोई अच्छी खबर निकल के आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप सभी का।